उसका नाम दोस्तों वो आजमगढ़ का रहने वाला है। आप भी छोड़िए ना नाम उसका, समझ रहे हैं, उसका पूरा पोल खुलेगा, थोड़ा सब्र करिए। आप मुझे हरदम रोक देते हो। मैं दोस्तों आप लोग मानोगे नहीं, मेरे घर आया था, मैं अपने हाथों से उसके खाना बना के खिलाई थी। वो बोला कि मुझे पनीर खाना है दीदी, दीदी बोला मुझे, दीदी बताइए, मैं भाई का कितना रिस्पेक्ट करती हूँ, दीदी बोला, दीदी बोल के, और दीदी के साथ ही इतना बड़ा पेट पे लात मार रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, आज तो ये तुम्हें बचा लिए। सो दोस्तों अभी देखिए शाम हो चुका है, और देखिए दोस्तों मेरा घर बिल्कुल सूना हो चुका है यार, कसम भगवान से बता रहे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी देवरानी चली गई दोस्तों ना, तो मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा, जैसे लग रहा है घर में कोई है ही नहीं है। हालांकि बच्चे लोग हैं, आप लोग तो देख ही सकते हैं कि बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और दोस्तों मुझे नमस्ते प्रणाम हरार महादेव, और घर थोड़ा सुना सुना तो लग रहा है। दोस्तों आज आपको बता दें, सुबह से हम खाना नहीं खाए क्योंकि मुझे खाने खाने को मन ही नहीं कर रहा है दोस्तों। मेरी देवरानी रहती थी तो मेरे पीछे पीछे लेके खाना दौड़ती थी, दीदी खाना खा लो खाना खा लो। दोस्तों अब तो कोई नहीं पूछने वाला है कि खाना खा लो खाना खा लो। बाकी दोस्तों भूख प्यास सब मर गया है, छोटी का बहुत याद आ रहा है, और चलते हैं दोस्तों बनाने, खाना बनाने जाते हैं। खाना खा लो खाना खा लो, कहाँ नाटक करती हो, कम ओवर राइटिंग किया करो, खाना रखा हुआ है एकदम, तुमको हाथ से कोई खिला गया तभी। दोस्तों सच बात, सही बात है, खाना रखा हुआ है दोस्तों, बट हम खाना नहीं खाए क्योंकि दोस्तों अच्छा मन नहीं कर रहा था, भूख प्यास जैसे लग रहा मर गया है, वो गई है, सुख चैन शांति सब लेके चली गई है दोस्तों। तो अभी चल रहे हैं कुछ बनाने के लिए, बच्चों के लिए खाने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग खाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, बरियार कैसे होंगे। तो दोस्तों अभी लाइट भगी हुई है, अभी देखते हैं लाइट आती है तब बनाते हैं, नहीं तो ऐसे ही चालू कर देते हैं बनाना, क्योंकि लाइट टाइम ज़्यादा हो गया है दोस्तों, शाम हो गया, 7-8 बजने वाला है। तो दोस्तों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे घर खाना नहीं बन रहा है। खाना है बोता, ये कहाँ खाना बन रहा है दोस्तों, देखिए हम बनाने जा रहे हैं खाना, और आप लोग कमेंट ये खाना है, कमेंट में बताइए किस चीज का सब्जी है। ये सब्जी नहीं है दोस्तों, तब का है सब, ये पनीर है ना, रोज पनीर बनाता हमारे घर। दोस्तों आपको बता दे, देखिए दोस्तों ये कद्दू सीताफल जिसको आप लोग बोलते हैं, ये कद्दू है और ये घिया यानी कि लौकी। तो दोस्तों चल रहे सांभर बनाने और डोसा बनाने, क्योंकि हमारे बच्चे लोग 4-5 दिन से चिल्ला रहे हैं, मम्मी डोसा बनाओ डोसा बनाओ। जिस दिन मेरा जन्मदिन था उसी दिन से ये लोग चिल्ला रहे हैं दोस्तों। तो फाइनली आज चल रहे हैं डोसा और सांभर बनाएंगे, और दोस्तों नारियल नहीं है मेरे पास, नहीं तो वो वाला चटनी भी बनाते, बट क्या करें नारियल नहीं है मेरे पास, सांभर से ही काम हम लोग आज चलाएंगे, और दही का रायता बनाएंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, आप लोग के सामने सब कुछ आएगा, तब मैं भी खाऊंगी आप भी खाइएगा, मेरे महादेव जी नहीं खाएंगे। दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा कांड होने जा रहा है, हमारे घर में लाइट भाग गया है, कैसे डोसा बनेगा आप ही लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ देखिए देसी डोसा, देसी तरीके से बीमारी मारी, यहाँ पे बन भी गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक डोसा बन भी गया है दोस्तों। आइए आप लोग भी डोसा खा लीजिए, देखिए डोसा बना लिया दीपू, टेस्ट करो ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों दीपू आया हुआ है डोसा खाने, राधे राधे, डोसा खाने आए हैं भाई, गांव से चल के भाभी फोन किए हैं कि हम डोसा बनाने वाले हैं, बोले चलो निकल ही लेते हैं, तभी हम लोग आए हैं। देखिए भाभी जी स्वादिष्ट डोसा बना रही है, एक धोनिया हमें सुना ना भाभी, डोका अच्छा सांभर डाला हमको सुनाई दे दिया भैया, डोका डोका क्या होता है जी, डोसा डोसा घर ही हमको सुनाई दे रहा डोका है। दोस्तों डोसा का कलर और मॉडल तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी खाने के बाद देखा जाएगा कैसा लग रहा है, वैसे टेस्टी तो लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग बहुत टेस्टी लग रहा है, साथ में सांभर भी है दोस्तों। नारियल नहीं था इसलिए नारियल का चटनी नहीं बनाया है दोस्तों, तो सिर्फ सांभर और डोसा हम लोग आज खाएंगे, और दोस्तों आप लोग भी आइए खा लीजिए, टेस्ट करके बताइए कैसा बना, पूरा रास्ते बहुत घंटा लगता है। अरे अरे ठंडा हो जाए, तन को मजा ना, क्या कर रही हो रिया, इडली बनता है बेटा, इडली बनाने के लिए समय लगता है, अगर हम लोग खाने बनाने लगेंगे तो खाने भी ना मर जाएंगे, ठीक ना। दोस्तों ये रहा देखिए, डालने के बाद डोसा जैसे दुकान पे फहराता वैसे ही फहरा रहा है, देखिए कौन है भैया हमारी, जल्दी आओ, दोनों ले जाइए आप लोग दोनों का, ले लो भाई का सीवा क्लार छुआ था दोस्तों देखिए गर्मी और पसीने से एकदम तार तार हो गई है, अरे यहाँ छन छन को बहुत तेज नींद लगा हुआ है, सो के भौंगा रही है, इसको बहुत फेवरेट है डोसा, लेकिन नींद से उठा कर रहा है, यही रोज डोसा कहती थी, आप लोग तो सुने ही होंगे कि रोज वीडियो में हरदम बोलती मम्मी डोसा बनेगा डोसा बनेगा, लेकिन आज उठा के ले आए फिर भी वहाँ पे सो गए। ये जैसे और न मतलब इसमें कुछ बनाया जाता है,
क्या बना सकते हैं इसमें? इसमें जैसे पिज्जा बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, कोई चीज भूज सकते हैं, पनीर वनीर फिश उस कुछ भी भूज सकते हैं, चाहे तो आपके ऊपर है। मैंने अब हम लोग सादा ही खाएंगे, इसलिए सादा में पनीर हुआ, अब मैं आलू बैंगन टमाटर जैसे टिक्का उक्का कुछ भूल जाए हमको फिश खिला दीजिएगा। नहीं खाते बहुत देर से हम लोग इसको बुला रहे थे, एकदम भौंआ रही थी। देखिए दोस्तों बहुत टेस्टी लग रहा है, ये नहीं कि घर पे बना है तो मतलब सच में बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट। और हमारी लाइट है जो हाफ डाउन हो रही है, ऐसा मतलब जो है ना डोसा, ऐसा डोसा सही रियलिटी बता रहे हैं, कभी नहीं खाया। बहुत टेस्टी लग रहा है हकीकत में दोस्तों, बहुत टेस्टी लग रहा है खाने। हम तो झूठ का तारीफ नहीं करते हैं, चाहे भले ही हमारी वाइफ हो तो क्या तारीफ। देखिए लाइट आ गया, अभी लाइट हाफ हो जाएगा, ऐसे हो रहा है, बहुत परेशान है, इसलिए पंखा भी नहीं चल रहा है। हाँ चाचा लोग देखो मम्मी का क्या है। अरे देखो पापा, देखो उधर से चूल्हा आता तो गिर गया। कहाँ से? वहीं पर से चूल्हा आता, बारिश का मौसम भी है। नहीं जी, आरो वाला पानी खा रहे थे लेकिन गिर गया। हेलो दोस्तों, यहाँ देखिए हमारा ये आरो वाला पानी मैं उठा रही थी, इसका ढक्कन खुल गया तब तक गिर गया दोस्तों, तो सोच रही हूँ इसको धो ही दूँ अगर पानी गिर गया तो, क्योंकि अगर धोएंगे नहीं तो फिर ये पानी कहाँ जाएगा, इस वजह से दोस्तों धो रहे हैं। और कैमरा मैन दोस्तों हमारी छनछन है, तो अगर कुछ गलती सूट कर रही होंगी तो माफ़ कर लीजिएगा। घर में कोई नहीं है, बच्चे गए हैं स्कूल, रिया आपिया पापा सो रहे हैं। देखो कितना पानी निकल रहा है, इसे हम सब नहा लेंगे। तो अभी घर ढूंढ लेते हैं, फिर उसको खाना बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी खाना नहीं बना है। तो फ्रेंड अभी देखिए हमारे घर पे रोटी बन रहा है, और अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर रोटी बन रहा है, और खाने को रोटी खाने का बोल का रोटियां ना तो यार रोटियां बन तो बेलन का बना रही थी। दोस्तों देखिए रोटी बन रही है, क्या कर रहे हैं हम, वही सोच रहा है कि रोटी का है गोल नहीं बन रहा, इसीलिए तो हम गोल नहीं है लेकिन रोटी एकदम बढ़िया बन रही है। हाँ तो वही तो हम भी कर रहे हैं, रोटी पता नहीं क्यों बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। तू तो बोलियो अच्छा गोल नहीं है, ये देखिए दोस्तों रोटी, अरे तो गोल है चाहे बोल, उसे का तोड़ के खाना ही है इसको। अब यहाँ हम बनाई थी तो लगता है इन करे ना तो बनाना है दिल्ली इतना मस्ता बनाए हमसे मस्त रियावा बना दे। रिया बेटा इधर आना, इधर आना, बैठो बैठो यहाँ पे, बैठो बैठो यहाँ पे, बैठो बैठो बैठो, एक लोई बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, बोले लोई बनल वाल रेडी। दोस्तों नेनुआ का सब्जी बहुत अच्छा लगता है खाने में दोस्तों, खासकर जब छील के बनाए तब, और इसी तरह से दोस्तों नेनुआ पानी छोड़ता है लेकिन दोस्तों खाने में बहुत मीठा मीठी मीठी स्वाद इसका लगता है, मतलब चीनी वाला मीठा नहीं, इसका मीठा मीठा स्वाद लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, खासकर मेरे हस्बैंड का फेवरेट सब्जी है। मम्मी मम्मी ये है ना, ये खाने का नेनुआ है ना, चाची चाची इसको कैसे बनाती है, इसको खूब मार पीस पीस के रायता बना देती है पूरा। दोस्तों इस समय हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब है फेसबुक को लेके, ये कई हजार फेसबुक हमारा आईडी मिल रहा है। हम सोच रहे थे कि सिर्फ मेरा ही चैनल वो लोग हैक कर रहे हैं दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत है, मेरा तो चैनल वो लोग हैक कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, उस पर रिपोर्ट मार करके बंद करवा रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं दोस्तों। मेरे नाम से कम 10 से 11 हजार आईडी मिली है, मेरा नाम, मेरा डीपी, मेरा वीडियो, और मेरे वीडियो को लोग रिपोर्ट मार करके टेक डाउन करके चैनल को बंद करवा दे रहे हैं। इस वजह से हम लोग 3 दिन से दोस्तों बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब है दोस्तों, जिसकी वजह बहुत आईडी बंद करवाए हैं कई, जिसकी वजह से दोस्तों हम रोज रात को 9 बजे लाइव फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं, और हमारे फेसबुक पेज का नाम है दोस्तों रिंकी गोरखप्रिया भौजी,
तो आप अगर आप लोग को हमसे बात करना रहेगा दोस्तों तो 9 बजे रात को लाइन में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ से बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब पता चल रहा है, जैसे जैसे हम एक CMS को दे दिया ना अपना फेसबुक। और दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि आज तक मेरा फेसबुक भी फिर वेरीफाइड नहीं हुआ था, जिसकी वजह से लोग मेरा टेक डाउन कर रहे थे। तो दोस्तों इस बार जब हम चढ़ाई किया तो एकदम पूरी तैयारी के साथ की है, CMS को दिए हैं, मेरा तावा जल रहा है। दोस्तों दोपहर हो चुका है, दोपहर क्या तीजहर हो चुका है दोस्तों, अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है। और दोस्तों अभी हम आप लोग को बताना चाहते हैं दोस्तों कि बहुत ही डिस्टर्ब है इस समय, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है दोस्तों, 3-4 दिन से सही से वीडियो भी नहीं शूट कर पा रहे हैं, जिस वजह से बहुत परेशान है। और बता दें क्यों नहीं वीडियो शूट कर पा रहे हैं दोस्तों, हमारा जो फेसबुक था नया वाला जो बनाए थे अभी इस समय, उसको भी लोग रिपोर्ट मार कर टेक डाउन कर दिया। और दोस्तों आप लोग को बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है, इतना ज्यादा फेसबुक है, आप ही बताइएगा क्या क्या मैटर है, इतना ज्यादा फेसबुक प्रोफाइल है, पेज है कि हम लोग खुद डिस्टर्ब है। ये फेसबुक भी हमारा कंफर्म नहीं कर रहा है कि ये हमारा है कि नहीं है, जैसे क्या होता है ना कि इतना ज्यादा फर्जी है कि किसी को विश्वास नहीं कर दोस्तों है। मेरे नाम से चैनल, मेरा वीडियो, मेरा DP, हर चीज मेरा, और वीडियो मेरे YouTube पर चैनल पर जैसे ही जाता है वैसे डाउनलोड करके लोग चढ़ा दे रहे हैं। और जब मैं चढ़ा रही हूँ वीडियो दोस्तों, तो मेरे ही वीडियो पे, मेरे वीडियो से ही और मेरा वीडियो जो डाउनलोड करके वो डाल रहे हैं, उस वीडियो से मेरा वीडियो पर रिपोर्ट मार्केट टेक डाउन करके मेरा चैनल बंद करवा दे रहे हैं दोस्तों। ये तो रह गई बात इस समय की, पहले का बात जो दोस्तों है आपको बता देना चाहते हैं। मतलब क्या होता है, बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे, जैसे यूट्यूब में स्ट्राइक होता है वैसे फेसबुक पे रिपोर्ट होता है। अगर आप फेसबुक पे रिपोर्ट मारेंगे और यूट्यूब पे क्या होता है, स्ट्राइक मारा जाता है। तो ये समझिए कि यो लोग हमें और दोस्तों हमें पता चल गया है कि कौन मार रहा है, कौन ये कर रहा है। एक होता तो समझ नहीं, जो मेन उसका जो सरदार होता है ना दोस्तों, एक सरदार होता है जो बड़े बड़े चैनल जिसका एक सरदार है, बहुत खतरनाक है दोस्तों। वो मेरे घर एक बार आया भी था और मैं दोस्तों अब डर नहीं लग रहा है उससे, क्योंकि पहले मैं डर रही थी, पहले अपना पेज बचाना चाहते थे, जब है ये नहीं तो क्या दोस्तों डर हमको दोस्तों उसका किसी बात का डर नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं भाई, किसी पे भी आप लोग ब्लॉग मारिए, क्योंकि मेरा पेज है ही नहीं, बस मेरा ना खाली नाम है इनका। हाँ एक चीज और है दोस्तों, क्या है कि जैसे कि जल्दी फाइनल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इसमें गोरखपुरिया भौजी के नाम से हर चीजें है इनका, और ID में है मतलब जो इनका रियल जो नाम, मेरा पहचान पत्र है, ID में रियल नाम रिंकी है। हाँ तो इसके वजह से फेसबुक थोड़ा जल्दी वेरीफाइड नहीं कर पा रहा, इससे पूरा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा, तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, हो जाएगा जल्दी कर। और दोस्तों हार मान करके हमने इस बार दिया है CMS को, पूरे तैयारी के साथ इस समय है। और दोस्तों मान के चलिए 200 से 300 ID हमने बैंड करवा दिया, मतलब बंद करवा दिया इस समय, अभी उसी पे काम चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों बताना चाहते हैं इस हैकर का नाम, तो दोस्तों उसका हम बाद में अगर आप लोग कहेंगे, उसका फोटो भी हम शेयर कर देंगे, उसका मोबाइल नंबर भी शेयर कर देंगे, लेकिन दोस्तों उसका नाम बताना चाहेंगे, उसका नाम है, मुझे मत दाबिए, छोड़िए ना नाम, नहीं उसका नाम दोस्तों वो आजमगढ़ का रहने वाला है, आप भी छोड़िए ना नाम उसका, समझ रहे हैं, उसका पूरा पोल खुलेगा, थोड़ा सब्र करिए। आप मुझे हरदम रोक देते हो, मैं दोस्तों आप लोग मानोगे नहीं, मेरे घर आया था, मैं अपने हाथों से उसके खाना बना के खिलाई थी, वो बोला कि मुझे पनीर खाना है दीदी, दीदी बोला मुझे, दीदी बताइए, मैं भाई का कितना रिस्पेक्ट करती हूँ, दीदी बोला, दीदी बोल के, और दीदी के साथ ही इतना बड़ा पेट पे लात मार रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, आज तो ये तुम्हें बचा लिए नाम बताने से, लेकिन तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है, तुम शायद जानते नहीं हो मैं किस माइंड की हूँ, मेरा जब माइंड खराब होता है ना तो मैं अपने आप की नहीं होती हूँ, और तुम्हें तो मैं देख लूंगी, फिर बताऊंगी दोस्तों, मैं आपको जरूर बताऊंगी कब तक ये बचाएंगे उसको, देखते हैं कब तक बचाएंगे, मैं नाम आप लोग को जरूर बताऊंगी दोस्तों। बचाना नहीं है, काम हो रहा है बस, बहुत जल्द दोस्तों एक बार मेरा फेसबुक पेज जो है वेरीफाइड हो जाए, उसके बाद हम उसका नाम बता देंगे आपको, यही है ना, वो नहीं वेरीफाइड, हम तो रिपोर्ट मारेंगे, हमें कब तो पेज हमें मालूम चल गया हमारा। इस समय दोस्तों हम नया बनाए हैं, रिंकी गोरखपुरिया भौजी के नाम से है, और जिसपे हमारा जिस चैनल पे लाइव 9 बजे आते हैं, तो वो चीज जिस पे आप लोग खोल के देखिएगा चैनल, इस नाम से भी बहुत से बना लेंगे, ये बात नहीं है, अभी हाँ। इसी नाम से बहुत प्रोफाइल बन जाएगा दोस्तों, अभी जाएगा तुरंत बन जाएगा, लाइव हर कोई नहीं आ पाएगा दोस्तों, लाइव तो हम ही आएंगे शाम को दोस्तों, उसके वजह से आपको पता है ज्यादा नहीं बनाएंगे अभी, मुझे फोटो, मुझे DP लगाने के लिए पता है क्या क्या मुझे देना पड़ा है, मुझे ऐसे जैसे कैदी जैसे नहीं होता है, कैदी की तरह आधार कार्ड ऐसे फोटो हाथ में लेकर के, और मुझे फोटो खिंचवा करके उसको देना
पड़ा है सीएमएस को, वो बोल रहा है कि आधार कार्ड लेके पैन कार्ड लेकर के फोटो खिंचवा के भेजिए, तो हम तैयार हुए उसके लिए और फिर आधार कार्ड और इथी लेकर के हम फोटो खिंचवाए दोस्तों। क्या ही बताया आप लोगों को दोस्तों, इतना गिर गए हैं लोग कि मतलब इतना गिर गए हैं कोई सोच नहीं सकता है। और कुछ लोग और है दोस्तों, जो बात मुझे और पता चला है, एक लोग और है उसका भी मुझे पता चला है दोस्तों, वो तो मेरे पीछे पड़ा ही रहता था शुरू से, पहले मुझसे मिलने का कोशिश किया, जब नहीं मिल पाया मुझसे तो फिर मेरे फेसबुक के पीछे पड़ गया और स्टेटस लगाता है वो दोस्तों, स्टेटस लगाता है। उसका भी जल्दी पोल खुलेगा लेकिन मेरे चैनल से नहीं खुलेगा, कोई और खुलेगा उसका पोल। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि सिर्फ हम ही इसके शिकार हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर बड़े बड़े ऐसे हैं जो कि इसके शिकार हुए हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिधवा हैं तो सारे यूट्यूबर जो है सिधवा ही मिलेंगे, तो जरूरी नहीं है। तुम्हारा भांडा फोड़ होगा भैया, टेंशन मत लो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।